नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपसे एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने दैनिक भास्कर का वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल किया है पूरे देश में, बिजनेस वुमन का। तो बहुत बहुत मुबारक। हमारे साथ हैं प्रभजोत जी, जिनकी कंपनी का नाम है अनमोल प्रीत फूड्स। तो प्रभजोत जी, कैसी यह सफलता लगी आपको? बहुत अच्छा लगा है। बच्चों के लिए कुछ एक अच्छा काम करके भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिनके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं है उनकी ये नीड है, डेली नीड्स है। रूटीन्स में तो हम बहुत कुछ खा लेते हैं, बट जो सिलिक है उनके लिए बहुत कम ऑप्शन है जी। तो उनके लिए ये काम करके और ये अचीवमेंट हासिल करके बहुत अच्छा लगा। एक आसान भाषा में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सिलिक क्या है। सिलिक जो बच्चे वीट डाइजेस्ट नहीं कर पाते उनको हम सिलिक बोलते हैं। okay. जिनको मतलब वीट एलर्जी होती है okay. उनको हम लोग सिलिक बोलते हैं जी। और जो जिसको वीट एलर्जी हो जाती है तो वो वीट होल लाइफ नहीं ले सकता जी। उसमें उनको सिर्फ ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स ही लेने पड़ते हैं जी। तो उनके लिए हम ये प्रोडक्ट्स रेडी करते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स आपने कब बनाने शुरू किए, कब ये कंपनी बनाई और क्या कारण था कि आप एक बिजनेस वुमन बन गई? ये एक्चुअली मेरी खुद की नीड थी। मेरी बेटी को 2000 बोर्न है एंड 2004 में हमने ये काम स्टार्ट करा था। एक्चुअली मेरी बेटी वीट एलर्जिक है, अनमोल प्रीत जो ब्रांड नेम है वो अनमोल प्रीत के नाम से, उसी के नाम से कंपनी का नाम, उसी के नाम से ये प्रोडक्ट हमने स्टार्ट करा था जी। ये मेरी नीड थी कि मेरी बेटी को कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। आज से 14 साल पीछे चले जाओ तो वहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो मक्की, बेसन, इससे इसके अलावा भी बहुत कुछ ग्रेन्स थे जिसको हम यूज नहीं कर रहे थे, बट मैंने उनका यूज किया, सब्स्टिट्यूट्स ढूंढे एंड आज की डेट में मेरे पास 135 प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं डील करती हूँ। एंड उसमें सब कुछ प्रोडक्ट्स में सब कुछ होता है ग्रेन में, जैसे चपाती हो गई, बिस्किट्स हो गए, मिठाई हो गई, ब्रेड, बेकरी, सब कुछ ही बनाते हैं। वाह, तो कितने स्टेट्स में आपका ये फूड जा रहा है इस टाइम? ये हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में जा रहा है इस टाइम। तो क्योंकि हम लोग अभी तो एक्सपोर्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी एक्सपोर्ट का काम शुरू करेंगे। वेरी गुड। तो इससे पहले कि हम आपसे और जानकारी लें, आइए दर्शकों को दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जिससे आपकी कामयाबी की दास्तान उनको भी मालूम हो सके। तो दोस्तों, देखिए आपने तस्वीरें एक कामयाबी की दास्तान की। और हमारे साथ है अनमोल प्रीत फूड्स की मालकिन, जिन्होंने हाल ही में दैनिक भास्कर का एक बड़ा राष्ट्रीय वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल किया है, प्रभजोत कौर जी। एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रभजोत जी, आप बेसिकली किस शहर में जन्मी, कहाँ स्कूलिंग की, कहाँ कॉलेज की शिक्षा की,
अब दर्शक ये सवाल जानना चाहेंगे, मैं होशियारपुर की बोन हूँ एंड मेरी जो स्कूलिंग है वो भी होशियारपुर की है एंड कॉलेज मेरा गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से ही हुई है एंड 99 में हमारी मैरिज हुई थी लुधियाना में जी से। उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ था एंड बेटा मेरा नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2000 बोर्न है वो एंड 2002 में मेरी बेटी बोर्न हुई थी। जब इसको 1.5 की तब इसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, तब हमने इसका जैसे ट्रीटमेंट कराना शुरू हुआ बट कोई भी इसका रिजल्ट नहीं मिला था। एंड में डॉक्टर जीसूद हैं, डॉक्टर एचएस बैंस डीएमसी के, सूद साहब तो खैर जादूगर हैं, उन्होंने ही मेरी बेटी को डायग्नोस, पेट के बड़े माहिर डॉक्टर हैं, पूरे दुनिया के पेशेंट्स आते हैं, प्रॉब्लम थी ओके ओके उन्होंने डायग्नोज करा एंड उस लाइन में भी लाने वाले मुझे वही है क्योंकि उनकी स्पोर्ट से एंड डीएमसी की स्पोर्ट से ही मैंने ये काम स्टार्ट करा। जी जी जी, आपके हस्बैंड तो प्लास्टिक की लाइन में है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में है, तो मेरे साथ बिजनेस ताल्लुकात भी रहे हैं बहुत पुराने समय में, जब अभी मैं चैनल में नहीं था तो स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड था, बहुत अच्छी नेचर है उनकी, तो उनका सहयोग और फैमिली का सहयोग भी आपको मिलता है टाइम टू टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, इनके सहयोग से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा, हम लोग प्योर वेजिटेरियन है बट जब मेरी बेटी को प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको नॉनवेज देना है तो हमारे घर में तब से उसके लिए नॉनवेज आना शुरू हुआ, जबकि आज भी हम लोग वेजिटेरियन है। क्या बात है, मतलब हर जगह इनकी सपोर्ट है, काम में मेरी बहुत सपोर्ट है, कहीं मुझे जाना होता है या मेरे को जैसे कुछ ग्रेन्स ढूंढने जाना पड़ता है तो आउट ऑफ सिटीज भी जाना पड़ता है, तो इनकी पूरी हेल्प है मेरे को। जी, तो अब बच्चे कौन कौन सी क्लास में है आपके? मेरा बेटा प्लस टू में है अभी और बेटी 10th में है। वेरी गुड, तो कुछ नए प्रोडक्ट भी आप डेवलप कर रहे हैं ताकि जो वीट एलर्जी के पेशेंट्स हैं उनको नए नए स्वाद नई नई चीज़ें खाने को मिल सके और उनको लगे ना कि अगर एक वीट बंद हो गया तो शायद सारी दुनिया में खाना ही उनके लिए बंद हो गया, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने इसके लिए न्यू प्रोडक्ट्स की कुछ ना कुछ मिलते ही रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने मैगी स्टार्ट करा है तो नॉर्मली बच्चों को मैगी का बड़ा क्रेज होता है, पास्ते का होता है, ये दोनों न्यू हुए हैं। आइसक्रीम अभी हमने स्टार्ट करा है, क्रीम रोल्स बनाए हैं, जो न्यू बच्चों के लिए चीजें होती है जैसे डोनट्स हो गए तो ये डिमांड आती है उनकी कि मैम ये बना के दो वो बना के दो, तो कुछ ना कुछ न्यू एडिशन चलती रहती है। एक आज हमसे बहुत बड़ी गलती होगी मैं समझता हूँ आपके इंटरव्यू करने में, कि इंटरव्यू हमने अपने स्टूडियोज में रख ली, इंटरव्यू होनी चाहिए थी आपके घर में, क्योंकि इतनी तो आप चीजों की डिशेस की बात कर रहे हैं तो साथ साथ वो चीजें चखते टेस्ट भी करते तो शायद आज की इंटरव्यू का जायका ही कुछ और होता। फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप है, उनके लिए इतने फूड के प्रोडक्ट्स आपने बना दिए, खास करके उनके लिए जिनको वीट एलर्जी है। तो प्रभजोत जी, मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है कि पता लग जाए कि वीट एलर्जी है तो माँ बाप की जैसे जान सी निकल जाती है, तो ऐसे माँ बाप को आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपने खुद यह संताप भोगा है, आपने खुद यह पीड़ा अपने ऊपर ली है, फिर अपनी बच्ची को इतने सालों तक पाल पोस के आपने बड़ा किया है और एक कंपनी भी आपने बना दी, तो ऐसे माँ बाप के नाम पे आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, इसमें ऐसा कुछ डरने की बात तो नहीं है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा हेल्पफुल होने में टाइम जरूर लगता है, पेरेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, बट पहले अगर लास्ट 14 ईयर बैक चले जाओ तो शायद ये प्रॉब्लम थी, बट आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए फ्लोर्स हैं, कुकीज हैं, एंड कहते हैं ना मिठाइयाँ भी बन गई, भुजिए भी बन गए, एंड ब्रेड बेकरी में पिज्ज़ा कुलचा ये सब कुछ हम लोग ने ऐड कर रखा है, कुछ भी ऐसी परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा अपनी रूटीन डाइट को सेट करना पड़ता है कि अपनी थोड़ी किचन को थोड़ा सेटिंग करनी पड़ती है कि वीट का काम थोड़ा अलग कर लो एंड वीट फ्री का थोड़ा अलग करो, अदरवाइज कुछ नहीं। अगर बच्चों के साथ कंपनी की जाए तो बच्चे बहुत हैप्पी हैं, मेरी बेटी 14 साल से यही खा रही है और एक टाइम में हम लोग उसके साथ खाना खाते हैं, तो हमारे घर में अगर नूडल्स बनते हैं, पास्ता बनता है, गोलगप्पे खाते हैं तो हम उसी के खाते हैं, तो इससे उसको भी कंपनी हो जाती है, हमें भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो बच्चा अकेला फील नहीं कर रहा, नॉर्मली हम लोग नॉर्मल है, ऐसी कोई ऐसे कुछ नहीं है। जी जी जी, तो वाकई बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, क्योंकि आपसे की हुई बात से उन तमाम माताओं को प्रेरणा मिलेगी जिनके बच्चे दुर्भाग्यवश जो वीट एलर्जी से ग्रस्त हैं, और उन तमाम महिलाओं को आपसे बातचीत करके एक संतुष्टि मिलेगी, आत्मबल मिलेगा, जो सारा दिन बेचारी घर के कामों में ही टेंशन से बाहर नहीं आ पाती, कोई अपना व्यवसाय या उद्योग दूर शुरू करना तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्पेशली समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और एक रिवायत के मुताबिक
हमारे स्टूडियोज में आने पर हम एक पौधा सभी को भेंट करते हैं, नवग्रह दिव्या वनस्पति दल, तो ये आपके लिए भी। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों बताइएगा कि आज की इंटरव्यू आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुछ पूछना चाहते हैं अगर वीट एलर्जी के पेशेंट्स, तो इसके इंटरव्यू के तुरंत बाद आप कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि प्रभजोत जी वही आपको रिप्लाई भी दे सकें। तो फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको और भी नई नई चीज़ें दिखा सकें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।